हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुप्रतिम और आप देख रहे हो मेरा चैनल रिव्यूज अनबॉक्स टेक न्यूज का सही ठिकाना। तो बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टेक एपिसोड। मगर दोस्तों टेक एपिसोड में जाने से पहले आपको मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से जो कि आज मैं कंप्लीट कर पाया हूं टेक एपिसोड का 100वां एपिसोड जो कि आप देखने वाले हो। तो दोस्तों काफी अच्छा लगता है जब आपका प्यार सपोर्ट मिलता है इस तरह से। सो दोस्तों कीप सपोर्टिंग माय चैनल, कीप लविंग मी। तो मैं आपके लिए इसी तरह के जो कि टेक न्यूज़ है रेगुलर लाते रहूंगा। तो तब तक के लिए चलते हैं पहले न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आज का जो पहला अपडेट आ रहा है वो है रियलमी के तरफ से। तो दोस्तों एज प्रॉमिस्ड हो गया दिल्ली में आज रियलमी का एक इवेंट, जिसमें रियलमी ने काफी सारे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। जो कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है रियलमी का वो था आपका रियलमी X2 Pro। तो फाइनली उसको लॉन्च कर दिया है रियलमी ने, कुछ इस तरह का जो कि डिजाइन के साथ आता है। मेरे स्क्रीन में देख सकते हो ये फोन में आपको जो कि देखने को मिल जाता है 6.5 इंच का फुल HD 90Hz फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। इसमें आपका चिपसेट जो कि यूज किया गया है वो है आपका स्नैपड्रैगन 855+ वाला चिपसेट, 8GB ऑफ रैम, 128GB ऑफ स्टोरेज और 12GB रैम 256GB ऑफ स्टोरेज के साथ जो कि ये वेरिएंट्स के साथ आता है। इसमें अगर कैमरा का बात करें तो इसमें आपको जो कि एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपका 64MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का टेलीफोटो लेंस वाला सेंसर, 8MP का आपका अल्ट्रा वाइड और 2MP का जो कि डेप्थ सेंसर के साथ आता है। दोस्तों फ्रंट में आपको 16MP का जो कि है सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अगर बैटरी का बात करें तो इसमें आपको जो कि मिल जाता है 4000 mAh का बैटरी जो कि आता है आपका 50W फास्ट चार्जिंग के साथ। और दोस्तों इसमें आपका डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट है। तो दोस्तों एक मतलब बड़ा पैकेज, बड़ा धमाके के साथ जो कि है रियलमी ने अभी लॉन्च किया अपना इसी फ़ोन को, रियलमी X2 Pro को, जो कि काफ़ी बेहतरीन सा एक फ़ोन है दोस्तों। डिस्प्ले काफ़ी कमाल का है, आपका बैटरी काफ़ी कमाल का है, बाकी के जो स्पेक्स फीचर्स है वो भी काफ़ी कमाल के। अगर प्राइसिंग का बात करें तो दोस्तों जो कि है आपका 8GB ऑफ रैम 128GB वाला वेरिएंट जो कि आपका बेस वेरिएंट है, इसका जो कि प्राइस आ जाता है 29,999 के प्राइस पर। और जो कि है आपका 12GB ऑफ रैम 256GB वाला स्टोरेज, उसका प्राइस आ जाता है 33,999 के प्राइस पर दोस्तों। और जो कि आपका मास्टर एडिशन है वो आ जाता है आपका 34,999 के प्राइस पर, जो कि होगा आपका 12GB ऑफ रैम 256GB वाला स्टोरेज के साथ। तो दोस्तों यही तीनों वेरिएंट आपको जो कि है मिल जाएगा। 26 नवंबर से इसका अवेलेबिलिटी हो जाएगा। फर्स्ट दो वेरिएंट जो कि मैंने आपको बताया है 8GB ऑफ रैम और 12GB वाला रैम वाला वेरिएंट, मगर जो मास्टर एडिशन है वो आपको क्रिसमस के दौरान जो कि है मिलेगा, ऐसा ही जो कि आज के इवेंट में बताया है रियलमी ने। तो देखते हैं दोस्तों क्या करता है रियलमी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये फोन। दोस्तों अगला अपडेट जो आ रहा है वो है नोकिया की तरफ से। तो दोस्तों नोकिया ने जो कि इंडिया में लॉन्च कर दिया अपना एक एंट्री सेगमेंट का स्मार्टफोन जो कि है आपका नोकिया 2.2। तो दोस्तों अभी पता नहीं क्यों नोकिया काफी सारे जो कि एंट्री सेगमेंट फोन, फीचर्स फोन लॉन्च एक के बाद एक किए जा रहा है, और दूसरे ब्रांड जो कि उसके बदले में काफी अच्छे जो कि स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। तो एनीवे दोस्तों ये जो फोन है कुछ इस तरह का डिजाइन में आता है, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो। अगर इसका स्पेसिफिकेशन का बात करें तो ये आपका आता है मीडियाटेक हीलियो A22 SoC चिपसेट के साथ। इसमें आपको 2GB ऑफ रैम, 16GB ऑफ स्टोरेज और 3GB ऑफ रैम 32GB ऑफ स्टोरेज जो कि ये दो वेरिएंट के साथ आता है। अगर कैमरा का बात करें तो रियर में आपको सिंगल 13MP का कैमरा और फ्रंट में आपको 5MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अगर बैटरी का बात करें तो ये आता है आपका 3000 mAh बैटरी के साथ। इसमें आपको कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो बस दोस्तों यही सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ ये बेसिक सा एंट्री लेवल स्मार्टफोन को लॉन्च किया है नोकिया ने। इसका अगर प्राइसिंग का बात करें तो दोस्तों जो कि है आपका 2GB रैम 16GB स्टोरेज वाला वेरिएंट, उसका प्राइस आ जाता है 5,999 के प्राइस पर। और बस 1000 ज़्यादा मतलब 6,999 के प्राइस पर आपको 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिल जाता है। तो बस दोस्तों ये अभी अवेलेबल है अमेज़न और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी आपको मिल जाएगा ये फ़ोन। तो आप अगर सोचते हो कि कोई बेसिक सा फोन ले ले तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगला अपडेट जो दोस्तों आ रहा है वो है अमेज़न की तरफ से। तो दोस्तों अमेज़न ने लॉन्च कर दिया है अपना एक नया इको का प्रोडक्ट जो कि है आपका इको फ्लेक्स। तो दोस्तों ये एक प्लग इन स्पीकर है जो कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग सा डिजाइन है और शायद से ये कोई ऐसा स्पीकर है जो कि आप प्लग इन करके सुन सकते हो, एक छोटा सा पोर्टेबल सा स्पीकर है। तो दोस्तों ये सिर्फ आपका स्पीकर ही नहीं है, ये आपका वॉइस कमांड पे भी काम करता है, ये सपोर्ट करता है स्मार्ट लाइट्स को, जैसे डिफरेंट ब्रांड से आते हैं जैसे कि आपका फिलिप्स का, सिस्का का, MI का, विप्रो का, जो स्मार्ट लैम्प्स बल्ब्स आता है उसको भी ये कंट्रोल कर पाता है। और ऊपर से इसमें आप गाना वाना तो काफ़ी सुन ही सकते हो। तो दोस्तों ये एक स्मार्ट डिवाइस है, काफ़ी बढ़िया लुक एंड फील और फीचर्स के साथ आता है। अगर इसका प्राइसिंग का बात करें तो इसको लॉन्च किया है अमेज़न ने 3,499 के प्राइस
प्राइस पर जो कि आपका अवेलेबल है Amazon इंडिया में और काफ़ी सारे ऐसे ई कॉमर्स स्टोर्स पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप इसको खरीद सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट है, प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। आप क्या सोचते हो इस प्रोडक्ट के बारे में बता देना आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप कोई इको का प्रोडक्ट यूज करते हो डेली लाइफ में तो वो भी हो सके तो कमेंट सेक्शन में बता ही देना। दोस्तों अगला जो अपडेट आ रहा है वो है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो ने जो कि आज चाइना में अनाउंस कर दिया अपना कलर ओएस 7 जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 10 के ऊपर, और दोस्तों उसके साथ एक रेनो सीरीज का अपकमिंग स्मार्टफोन को भी अनाउंस कर दिया है जो कि हमें आने वाले महीने में देखने को मिलेगा, जो कि होगा आपका ओप्पो रेनो 3। मतलब आपको रेनो 3 सीरीज के स्मार्टफोन्स अब देखने को मिलेगा, तो काफी बढ़िया सा बात है दोस्तों। उसके कुछ टीजर्स भी आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो इस तरह से, जो कि कुछ टीजर को शोकेस किया गया आज इवेंट में। तो इससे जो पता चलता है काफ़ी जल्दी हमें ये जो स्मार्टफोन है देखने को मिलेगा, और शायद से इसमें आ सकता है 865 SoC चिपसेट जो कि आपका अपकमिंग चिपसेट है स्नैपड्रैगन के तरफ से। अभी एग्जैक्ट पता नहीं क्या फीचर्स स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन प्राइस के साथ ये लॉन्च होगा रेनो 3 सीरीज़ के स्मार्टफोन्स, वो तो आने वाले महीने में ही पता चलेगा, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप क्या सोचते हो दोस्तों इस फोन के बारे में बता देना आपका राय नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगला अपडेट जो आ रहा है वो है एंकर की तरफ से। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कौन सा ब्रांड है, जो कि एक एक्सेसरीज ब्रांड है और स्पेशली जाना जाता है आपका आईफोन एक्सेसरीज जो कि ये बनाता है। अभी जो कि एंकर ने लॉन्च कर दिया इंडिया में अपना एक QI 10W वायरलेस चार्जिंग पैड को, जो कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो दोस्तों। काफ़ी बढ़िया एक डिज़ाइन के साथ आता है ये 10W का वायरलेस चार्जिंग पैड, जो कि आपका इजीली चार्ज कर देगा कोई भी नॉर्मल फ़ोन को जो कि आपका सपोर्ट करता है नॉर्मल वायरलेस चार्जिंग को। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये वायरलेस चार्जिंग पैड है दोस्तों। इसको लॉन्च किया है अराउंड से 3499 के प्राइस पर, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा Amazon, Flipkart और ऑल अदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर। तो दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हो कोई अच्छा सा एक वायरलेस चार्जिंग पैड खरीदने का, तो आप इस ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद सकते हो, काफ़ी ट्रस्टेबल ब्रांड है दोस्तों। इसके प्रोडक्ट जो कि है मैं भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छे होते हैं। आप क्या सोचते हो इस प्रोडक्ट के बारे में बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगला अपडेट जो आ रहा है वो है OnePlus के तरफ से। तो दोस्तों महीने भर हुआ नहीं जो कि OnePlus ने लॉन्च किया था अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 70 और 70 Pro को। अभी जो कि है काफ़ी सारे ऐसे रेंडर्स लीक्स सुनने में और देखने में आ रहा है आपका OnePlus का अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus 8 Pro के बारे में। तो दोस्तों ऐसा ही जो कि और एक नया लीक देखने को मिला है TrueTech के पेज पर, आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो। तो दोस्तों इस लीक से जो कि पता चलता है ये फोन शायद से आ सकता है आपका ट्रिपल रियर कैमरा के साथ TOF सेंसर, और फ्रंट में जो कि आपको देखने को मिल सकता है एक सिंगल या तो डुअल पंच होल कैमरा। तो दोस्तों अभी पता नहीं एग्जैक्ट क्या स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ आएगा ये स्मार्टफोन, बस अभी रेंडर्स है लीक है कैसा देखने में होगा, किस तरह से होगा, कितने कैमरास होंगे, कितने सारे बटन्स होंगे, यही सारे चीज़ें जो कि अभी पता चला है, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन कुछ पता नहीं चला है। तो आप क्या सोचते हो इस रेंडर के बारे में दोस्तों बता देना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगला अपडेट जो आ रहा है वो भी रियलमी की तरफ से। तो दोस्तों आज का जो इवेंट हो गया न्यू दिल्ली में रियलमी की तरफ से, तो उसमें सिर्फ रियलमी X2 Pro को ही नहीं और एक स्मार्टफोन जो कि एक मिड सेगमेंट स्मार्टफोन है उसको लॉन्च किया है रियलमी ने, जो कि है आपका रियलमी 5S। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो दोस्तों ये फ़ोन जो कि आपका काफ़ी टीज़र हमें देखने को मिला था फ्लिपकार्ट के पेज पर। तो दोस्तों इस फ़ोन को भी लॉन्च कर दिया है आज रियलमी ने, जो कि आता है आपका स्नैपड्रैगन 665 SoC चिपसेट, 6.5 इंच का डिस्प्ले, 4GB रैम, 64GB और 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ है। इसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 256GB तक। दोस्तों इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा मिल जाता है जो कि आता है आपका 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी, 2 मेगापिक्सल का टर्शियरी और 2 मेगापिक्सल का आपका जो कि क्वाड कैमरा आता है, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आ जाता है और 5000mAh का बैटरी विद 10W चार्जिंग के साथ आता है। ये फास्ट चार्जिंग है, नॉर्मल चार्जिंग के साथ आता है। तो दोस्तों यही सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ जो कि इस फोन को लॉन्च किया है, ये एक बेसिक सा आपका मिड रेंज स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन है, काफ़ी अच्छा कैमराज है, तो एक आपको मैं बोल सकता हूँ कि मिड रेंज किंग आप इसको बोल सकते हो इस फोन को। इसका जो प्राइस रखा है वो काफ़ी कमाल का प्राइस रखा है, जो कि सिर्फ है 9999 के प्राइस पर और जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा 26 नवंबर से दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस इवेंट में और एक प्रोडक्ट को जो कि शोकेस किया है आपका रियलमी के CEO माधव सेठ ने, जिसका थोड़ा सा झलक आप देख लो मेरे स्क्रीन में, जो कि है एक ईयरबड। तो दोस्तों ये जो ईयरबड है काफ़ी सिमिलर है ईयरपॉड के जैसा ही, तो दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि किस तरह से ये ईयरपॉड्स जो कि है आएगा, एक येलो कलर का जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन में आएगा। तो अभी जो कि ये लॉन्च हो सकता है नेक्स्ट मंथ को, जो कि आपका रियलमी का अपकमिंग फ़ोन होगा X2, तो देखते हैं क्या करता है रियलमी, कब इसका अनाउंस करता है लॉन्च डेट, कब हमें देखने को मिलता है, क्या प्राइस में लॉन्च करता है, और शायद से हमें एक स्मार्ट बैंड भी देखने को मिल सकता है। तो एनीवे दोस्तों देखते हैं
अपकमिंग मंथ में क्या सारे प्रोडक्ट्स हमें रियलमी की तरफ से देखने को मिलता है, आप क्या सोचते हो इस फोन के बारे में, मतलब रियलमी 5S के बारे में बता देना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आज का जो आखिरी न्यूज आ रहा है वो है क्वालकॉम की तरफ से। तो दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन टेक समिट जो कि होने वाला है बहुत जल्दी, तो उसके डेट जो कि कंफर्म कर दिया है आपका क्वालकॉम ने, जो कि होगा आपका December 3rd से लेकर 5th तक। तो दोस्तों उसका कुछ इनवाइट भी आ चुका है जो कि आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हो। तो दोस्तों इसमें शायद से आपका अपकमिंग 8 सीरीज और 7 सीरीज के जो कि है स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स हमें देखने को मिलेगा, जिसमें से इंक्लूड होगा आपका स्नैपड्रैगन 865 और 735। तो काफी बढ़िया बात है, हमें लेटेस्ट फ्लैगशिप्स जो कि चिपसेट्स देखने को मिलेगा। और जो कि है क्वालकॉम ने यह भी कंफर्म किया कि इंडिया में रियलमी ऐसा ब्रांड होगा जो कि फर्स्ट आपका स्नैपड्रैगन 5G चिपसेट के साथ फोन जो कि है लॉन्च करेगा। तो काफी बढ़िया बात है, रियलमी काफी कमाल कर रहा है और हमें देखने को मिलेगा 5G स्मार्टफोन। आप क्या सोचते हो दोस्तों बता देना कमेंट सेक्शन में। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये टेक एपिसोड अच्छा लगा है तो नीचे जरूर से कमेंट करें, अगर आपका कोई सुझाव है तो भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर से प्रेस कर दे, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे फॉर एवरीडेज न्यूज नोटिफिकेशन और न्यू वीडियोस के लिए। तो बस दोस्तों कल मिलते कोई नए टेक एपिसोड के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।